मेरा नाम सूबी है, मेरे बच्चे का नाम शोएब है, वो 7 साल का है, हाथ पैर से सीपी है यानी वो चल नहीं सकता है। मेरा नाम है शोभा विजय श्रीवास्तव, छोटी बेटी है 4.5 साल की, उसका नाम है माही, ठीक से चल नहीं पाती है और उसको समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। मेरा नाम है पल्लवी जैन गोखले, मेरा बच्चे का नाम है कार्तिक जैन गोखले, उसको स्पाइना बाइफिडा है और उसको हाइड्रोसेफलस भी है। मैं स्कूल में जब थी तब मुझे सिर्फ फैशन डिजाइनिंग का करने का शौक था। मेरी शादी हुई तो पहले बच्ची हुई, वो 7 महीने में ऑफ हो गई, फिर उसके बाद फिर उससे मैं प्रेग्नेंट हुई, फिर वो 5 महीने में वो बच्ची भी खत्म होगी मेरी, फिर उसके बाद शोएब मेरा प्री मेच्योर है, उसको होली स्पिरिट में एडमिट किए, लेकिन मुझे मेरा ख्याल करने वाला कोई नहीं था, मैं अकेली सिर्फ थी, मैं और मेरा बच्चा, बस उसको हाजिर नहीं लेकर गई। वहाँ पर एक्सरसाइज 1 साल हुआ, बच्चा मेरा चलने लगा। चेंबूर में नाइसियो हॉस्पिटल है, 1 साल वहाँ पर थेरेपी कराई, जितना मुझसे हो सके मैं अपने बच्चे के लिए की। शोएब के होने के बाद मैं शोएब पे ज्यादा ध्यान देने लगी, यानी घर के साथ साथ, यानी किसी को कभी शिकायत का मौका नहीं दिया मैंने। मेरे हार्ट में होल है, उसकी वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम आती है शोएब को उठाने में, गोद में उठाकर नीचे उतारना, उसको बाथरूम में ले जाना, नहलाना धुलाना, मैं सिर्फ शोएब के लिए जीती हूँ बस। सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि मेरा शोएब चलने लगे, उसको मुझे चलाना है, वो चलेगा, जरूर चलेगा और पढ़ेगा भी। आप लोग के चलते हुए बच्चे है ना, उससे आगे मेरा बच्चा निकला, देख लेना एक दिन। सब बोलते हैं ना ईद होती है, बकरीद होती है, खुशी मनाते हैं, मुझे नहीं खुशी होती है ईद बकरीद। जिस दिन मेरा बच्चा चलेगा, जिस दिन मस्जिद में जाके नमाज पढ़ेगा, उस दिन मेरे लिए असली ईद होगी। माही जो है ना, वो लंबी भी थी और मोटी भी थी और बहुत क्यूट थी माही। 3 दिन के बाद उसको कन्वर्जन हुआ, उसको कांच में रखा था तो 3 दिन तक उससे कोई नहीं मिल सकता था। मैं बहुत रोती थी, उसको ICU में तो ले ही गए और देखने भी नहीं दे रहे हैं। मेरा बच्चा मतलब कभी हैंडीकैप बोलना पड़ेगा ऐसा नहीं सोचा था मैंने। मेरा हॉस्पिटल बच्चे को लेके जाना, घर में किसी को भी ठीक नहीं लगता था, लोगों के हिसाब में थोड़ी पागल मैं ही हो गई थी, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था वो टाइम। 2.5 साल के बाद माई घुटनों पे चलना शुरू किया उसने, मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि मेरी बेटी अब घुटनों से चल रही है। कहते हैं ना कि मतलब जो खुद की मदद करता है ना, उसकी मदद के लिए कोई भी आ जाता है। इस एनुअल डे में माही ने बिना मेरे सपोर्ट के डांस किया था, मतलब उस टाइम हम लोग इतने खुश थे कि जितना डांस अगर वो स्टेज पे कर रही थी तो उतना ही डांस में उसके स्टेज के नीचे बैठ के हम लोग कर रहे। बस मैं मेरी माही को एकदम इंडिपेंडेंट बनाऊं, मैं नहीं भी हूँ तो उसको किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं होनी चाहिए। मुझे बहुत थोड़ा नर्वस भी हो रहा था कि मतलब कैसे होगा, क्या होगा। मैं सोच रही थी कि जो भी हो, जैसा भी हो, मतलब लड़का हो या लड़की हो, पर अच्छे से हो, मतलब उसे कुछ तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ये सोचा था। इस बात के लिए भगवान से भी ऊपर गुस्सा बहुत था मेरा। एक बार तो मैं मतलब अस्पताल में गई थी तो एक औरत बोलने लगी कि तूने क्या किया कि इसके वजह से ये ऐसा हो गया, तो मुझे इस बात से बहुत गुस्सा आया। लोगों को क्या परेशानी है कि अगर मैं अपने बच्चे को संभाल सकती हूँ या फिर मैं इतनी ताकत है मुझ में, मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हूँ। जब मैं उसे नॉर्मल बच्चों के साथ कंपेयर करती हूँ ना, तो मुझे उन बच्चों से ज्यादा कार्तिक बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो एक्टिव भी है उन बच्चों से भी ज्यादा। कहीं पे भी गाना लगेगा तो नाचना शुरू करेगा, किसी की बारात जा रही है वो खुद भी नाचेगा, हम लोग को भी बोलेगा नाचने के लिए। मैं जिस तरह से चाहती थी आज कार्तिक वैसे है, जो मस्ती करने वाला मुझे जो बच्चा चाहिए था वैसा वो कार्तिक है, तो मुझे उसके बदले में कुछ और नहीं चाहिए। वो चलने लगे बस मेरे लिए वही खुशी होगी। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं नहीं, मेरे लिए अब वो एक गॉड गिफ्ट है कि भगवान ने मुझे ऐसा समझाया कि मैं उसकी सेवा करूँ।